सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं डार्क रियलिटी ऑफ यूजीसी काउंसलिंग। देखिए, यूजीसी काउंसलिंग जो है कि एक ऐसा काउंसलिंग नहीं है जिस काउंसलिंग में आप सब चीज़ खुद से कर सकते हो। कुछ ऐसा काउंसलिंग है जो खुद में आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है, और कुछ चीज़ें जो आप किसी को भी फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पर, चाहे किसी को भी फॉलो करें, मैं किसी के स्पीच के नाम नहीं ले रहा हूँ, और आप चाहे किसी को भी फॉलो करें, उसको आपको गाइडलाइन फॉलो करना है। ठीक है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आप खुद में भी एक अंडरस्टैंडिंग रखो कि क्या सही है क्या गलत है, इसको आपको जज करना है। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी बोल रहा है तो आपको ब्लाइंडली उस पर विश्वास कर लेना है। आपको क्या करना है, सिंपली एक क्रॉस चेक करना है। तो वो क्रॉस चेक कैसे करना है, क्या करना है, हम सारा चीज़ इसमें डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बहुत सारा यहाँ पर फैक्टर पॉइंट लिखा हुआ है जो डार्क रियलिटी है काउंसलिंग को लेकर के, उसकी हम डेप्थ में जाएंगे और चीज़ों को एक एक बात करेंगे। सबसे पहला हम बात करेंगे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को लेकर के, दूसरा हम बात करेंगे डिटेल प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग टू एडमिशन, मतलब जो आपका कॉलेज में होगा उसके पहले आपका काउंसलिंग का एक प्रोसेस होता है, वो डिटेल प्रोसेस क्या है उसके लेकर के आप एडमिशन तक कैसे प्रोसेस होती है उसको समझेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे सेल्फ काउंसलिंग और द पेड काउंसलिंग, मतलब बहुत लोग हैं जो इनको ये लगता है कि हमें कुछ हेल्प चाहिए किसी की, तो वो एज ए हेल्प के तौर पे किसी का पेड काउंसलिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल कि आप हमारे ज्वाइन करो या किसी का ज्वाइन करो, हम किसी का अपोज भी नहीं कर रहे हैं और किसी का सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। बट इतना सिंपल सा बात है कि जिसको कुछ नहीं आता है वो किसी का सहारा लेगा, सिंपल सी बात है। और वो किसी का सहारा लेगा तो उसका ये मतलब ना हुआ कि किसी का सहारा ले, मतलब उसको ठग लिया जाए, उसको जो है कि एक तरीके से गुमराह कर लिया जाए, और उसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसको जो है कि इस तरीके से ठग ले जिस तरीके से उसको नहीं ठगा जाना चाहिए था, सिंपल बात है। अगर यहाँ पे पेड काउंसलिंग और फ्री काउंसलिंग की बात करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, उनको चीज़ें पता नहीं है कि कैसे क्या करना है, तो वो एक सहारा खोजते हैं कि हम किसी का पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर ले। उसका सिंपल सा मतलब ये नहीं होता है कि वो पेड काउंसलिंग के नाम पर आप उससे ठग लें, आप उससे पैसा ऐंठ लें, इसका मतलब ये नहीं होता है। सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप उसका हेल्प करें, और हेल्प करने के लिए एक मिनिमम जो प्राइस हो सकती है आप वो चीज़ डिसाइड करें, और उस चीज़ के अनुसार आप डील करें। ऐसा ना है कि आप 1000 रुपया चार्ज कर ले, 500 रुपया चार्ज कर ले, जबकि उतना मैटर बनता नहीं है। 1000 रुपया पेड, 1000 रुपया किसी को काउंसलिंग कराने के लिए देने का क्या सेंस निकलता है, सिंपल सी बात है, क्या सेंस निकलता है इसका, इसका कोई सेंस नहीं निकलता है। 1000 रुपया आप किसी को दे रहे हो, आप नॉर्मली देखो किसी को साइबर कैफे चले जाओगे या कहीं पर चले जाओगे, आप क्या करता है वो, आपको जो चॉइस फिलिंग है तो करता है ना, आपको रजिस्ट्रेशन ही तो करता है, उसके लिए कितना चार्ज करेगा, 100 रुपये करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, 150 रुपये करेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं करेगा ना, उतना बहुत हो गया आपके लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको चार्ज भी किसी पेड काउंसलिंग के लिए नहीं देना चाहिए था, मुझे लगता है ऐसा। बट आप किसी पे ब्लाइंडली विश्वास करो, इट्स योर चॉइस, आप फ्री हो, आपको जहाँ जाकर के पेड काउंसलिंग करवाना है, जहाँ जाकर के आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, इस पर किसी को स्पेसिफाई नहीं किया गया कि आप ही सर्वे सर्वे हो, आप ही सब कुछ कर सकते हो, बाकी लोग बेकार है, ऐसा किसी को नहीं बताया जा सकता है। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, आपको जो अच्छा लगता है, जैसे अच्छा लगता है वो चीज़ आप कर सकते हैं। बट जो डार्क रियलिटी है ना, जो इनसाइड चीज़ें आपको हैं, वो चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा आज। तो वीडियो को लास्ट देख के जाएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एक हर अपडेट जो यूजीसी काउंसलिंग से रिलेटेड है, बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, वो अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा, सिंपल से बात है। अब देखिए, हम बात करते हैं यहां पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और कंफ्यूजन। बहुत बच्चे में ये भी है ना कि वो सोचते हैं कि यार हम खुद से काउंसलिंग करेंगे तो क्या पता मेरा कुछ गलती हो जाएगा, खुद से काउंसलिंग करेंगे तो क्या पता मैं जो चीज सोच रहा हूं वो चीज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो खुद में बच्चे का कॉन्फिडेंस कम होता है, खुद में वो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। वो कन्फ्यूजन कहाँ से आती है, कैसे आती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम लास्ट में बात करेंगे कि आपको किसी को भी फॉलो कर रहे हो ना, तो किसी को भी फॉलो करें तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग गलती होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं खुद 100% सही हूँ, किसी को मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% वो भी गलत है। सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, सब में कुछ ना कुछ अच्छा होती है, सब में कुछ ना कुछ बुरा भी होती है। तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो आप जब उसको केयरफुली वॉच करोगे, केयरफुली देखोगे, तो आपको पता चलेगा। वो कैसे केयरफुली आप देख करके वॉच करके किसी को आप अपना जो है कि एक गाइडेंस के तौर पर मान सकते हो, ये भी बात करेंगे। साथ साथ हम लास्ट में बात करेंगे आपको क्रॉस चेक, क्रॉस चेक दैट मीन कि जो भी कुछ कोई बोल रहा है ना, ब्लाइंडली आपको उस पर विश्वास नहीं करना है। सिंपल सा लॉजिक है कि ब्लाइंडली विश्वास करना एक हमारे लिए खुद का भी कमजोरी बन सकता है। आपको खुद को कमजोर नहीं करना, आपको खुद को इम्प्रूव करना है। खुद को इम्प्रूव करने के लिए आपको किसी को भी कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो उस पर सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक क्या करना है, कैसे करना है, अभी बताऊंगा आपको। तो चलिए हम वन बाई वन करके एक एक टॉपिक को यहाँ पे क्लियर करते हैं और जो डार्क साइड ऑफ काउंसलिंग है यहाँ पे उसको समझते हैं। सिंपल सी बात है कि पहले बात करते हैं ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को लेकर के। क्या बात करते हैं यहाँ पे, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को लेकर के। देखिए बाबू, मैं सिंपल सा दो लाइन में बोलना चाहूँगा, इसके बारे में ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये सिंपल सा लॉजिक है, सबके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर होगी। पहला चीज़ है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी गवर्नमेंट का इन्फॉर्मेशन हो या कोई भी काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन या किसी भी तरीका का इन्फॉर्मेशन हो, वो सारे इन्फॉर्मेशन एक ऑफिशियल साइट पे, एक ऑफिशियल प्लेस से आते हैं।
क्लियर है। तो वो साइट है, वो ऑफिशियल जो हमारे पास पेज है या ऑफिशियल जो हमारे पास जो जगह बनाया गया, उस जगह को आप लोग फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप हम बात करें यहाँ पर प्रॉपर बिहार इंजीनियरिंग के काउंसिलिंग के लिए, तो आपके लिए जो जगह बनाया गया उसका नाम है BCECE। ये BCECE जो है ना कि आपका एक बोर्ड होता है, उस BCECE बोर्ड के तहत आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिया जाता है, और जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है आपको यहीं पे देखने मिलेगी। तो आप इसको फॉलो करिए ना, इसको फॉलो करिए, जो भी अपडेट आती है वहाँ पे देख लीजिए। हाँ, आप फॉलो नहीं कर पाते हो, आपको वहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो फिर आप किसी को फॉलो करिए जो इसके बारे में बता रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो आप ही सही दे रहे हो और ये गलत दे रहा है, ऐसा तो नहीं ना। जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी कुछ बताएगा आपको यूट्यूब पे कहीं पे कुछ बताएगा अबाउट द बिहार इंजीनियरिंग एडमिशन और काउंसिलिंग से रिलेटेड, वो BCECE बोर्ड के जो ऑफिशियल अपडेट आते हैं उसी के थ्रू बताएगा। ऐसा नहीं है कि उसके पास पहले मतलब कि इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसके पास सब चीज़ें मैनेज आती है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नॉर्मल चीज़ है कि BCECE जो बोर्ड है उसी के तहत इन्फॉर्मेशन आती है, उसी से हम लोग भी सीखते हैं, उसी से हम लोग भी उसको देखते हैं और उसको समझते हैं और आप लोगों को बताते हैं। वही है कि जो वहाँ पर चीज़ें लिखी रहती है उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका क्या गहराई से मतलब हो सकता है, ये हम लोग आपको रिसर्च करके और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस हम लोग बताते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग से सोर्स लेके आते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि हम अलग से चीज़ों को डील करते हैं। जो भी चीज़ें हमारा खुद का BCECE का साइट है उससे हम लोग भी कॉपी करते हैं, उससे चीज़ों को देखते हैं, क्या अपडेट आई है, कैसे आई है, क्या चीज़ें करना, वहाँ पे सारा चीज़ आती है, उसी को देख के हम लोग आपको बताते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी वो इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से पता करनी है। तो आप चाहे हमें फॉलो करो या किसी को फॉलो करो, आपको फॉलो करते करते साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जो कोई बता रहा है वो चीज़ यहाँ पे है या नहीं है, सिंपल। ठीक है, अब जो भी इन्फॉर्मेशन है ना किसी के पास पहले से आ जाती है या कुछ भी आती है, तो दो चीज़ हो सकती है यहाँ पे, या तो उस बोर्ड के मेंबर में किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी जो यूट्यूब हो या कोई किसी भी सोशल मीडिया पे कुछ भी बता रहा है, तो उसका किसी पर्टिकुलर मेंबर से जान पहचान हो सकती है, या किसी पर्टिकुलर मतलब कि जो वहाँ पे काम करते हैं उनसे मेंबर से जान पहचान हो सकती है, तो वो एक आधो पॉइंट बता सकते हैं, एक आधो पॉइंट हमेशा बता नहीं सकते, क्योंकि उनको भी नहीं पता है कि मीटिंग में क्या डिसीजन होने वाला है, उनको भी नहीं पता है कि जो चीज़ कंक्लूड करके लास्ट में जो है कि एक PDF के माध्यम से, यानी कि एक अपडेट के माध्यम से, एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जाता है वो फाइनल क्या होगा, क्योंकि उसमें एक का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, उसमें 4-5 लोगों का टीम बनता है, 6-7-10 लोग उसमें काम करते हैं, तो उनके कंक्लूजन से कोई भी चीज़ होती है। तो आप पर्टिकुलर किसी एक को जानते होंगे तो भी आपको कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला है, सिंपल बात ही है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको BCECE साइट से मिल जाएगा एडमिशन के रिगार्डिंग। तो ये लोगों में मिथ है कि लोग जो है कि ज़्यादा फॉलो करने लगते हैं, किसी पर ब्लाइंडली विश्वास करते हैं, किसी पर ज़्यादातर फोकस होकर उसी का बात मानते हैं, ये लोग सोचने लगते हैं। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि भाई मुझे भी मत मतलब ब्लाइंडली विश्वास करो, मुझे भी मत, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं जो कुछ बोलता हूँ आप 100% उसको सही मत मानो, ऐसा मैं खुद कह रहा हूँ। कि चूँकि देखिए जो भी चीज़ है ना कि हम लोग भी इंसान है, ऐसा नहीं है कि हम लोग खुद भगवान है, हम लोग कोई भगवान नहीं है बाबू, हम लोग भी जस्ट आप ही के जैसा एक स्टूडेंट रहे हैं जिस टाइम पर हम लोग पढ़ते थे, और अभी जस्ट लाइक हम लोग स्टूडेंट की तरह ही हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है कहने में, हम स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही कहेंगे ना आपको, हम क्यों गुमराह करें कि नहीं हम बड़का प्रोफेसर है और बड़का नॉलेज वाला है, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, जो भी नॉलेज है वो BCECE बोर्ड को देख करके समझने की और आपको समझाने की हमारे पास नॉलेज है, बस इतना ही नॉलेज है मेरे पास, इससे ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरे पास। क्लियर है बात। अब देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आप BCECE को फॉलो करिए, BCECE पे अपडेट करिए, या नहीं समझ आता तो आप किसी को भी फॉलो करिए, आप उसका वीडियो देख लीजिए, उसको समझा देगा, आपको समझ में आ जाएगा। बट समझाने का सबका तरीका अलग है, सबका बोलने का अलग तरीका है, तो आप जिसके साथ कंफर्टेबल है आप उसका वीडियो देखिए, कोई प्रॉब्लम एट ऑल नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर डिटेल प्रोसेस अबाउट, यहाँ पर डिटेल प्रोसेस ऑफ द काउंसिलिंग टू एडमिशन। अब देखिए डिटेल जो प्रोसेस है ना काउंसिलिंग से लेकर के आपका एडमिशन तक का, उसमें मैंने सेपरेट एक वीडियो बना दिए हैं, ठीक है, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना दिए हैं, आप जाकर के इसको चेकआउट कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आपको हर एक चीज़ बताया गया है कि आपको जो जेई मेन्स का एडमिशन जो जेई मेन है उसमें जो सबसे पहले फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद से आप उसका रिजल्ट देखते हो, फिर आपका परसेंटाइल आता है, फिर परसेंटाइल के आप UGC के थ्रू रजिस्ट्रेशन करते हो, रजिस्ट्रेशन के बाद से आपका चॉइस रैंक कार्ड आता है, रैंक कार्ड से आप चॉइस फिलिंग करते हो। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस बात कर रखा है मैंने कि आपको काउंसिलिंग का पूरा प्रोसेस क्या है और एडमिशन तक कैसे जाना है, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता रखा है, आप उस एक वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपका पूरा जानकारी इसमें कंप्लीट मैंने बता दिया कि एडमिशन जो है कि आपको कैसे मिलता है और किस किस स्टेप से आपको गुजरना है। अगर वो पूरा स्टेप आपको क्लियर है ना तो फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगा, तो फिर और कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगा तो कोई भी आपको डाउट या किसी पे भी किसी को ब्लाइंडली विश्वास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ें मैंने कंप्लीट बता रखी है और इनसाइड में बता रहा हूँ, कंप्लीटली बता रहा हूँ कि वो चीज़ें ना सभी की
जरूरतमंद की चीजें हैं, आप उसको जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया या इधर आई बटन पे आ रहा होगा, आप जाकर के चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, बहुत मजा आएगा उस वीडियो को देखने के बाद से। चलिए तो ये कंप्लीट डिटेल मैंने वहां बात की, तो आप वहां से इसको देख लेंगे। एंड तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो है सेल्फ काउंसलिंग वर्सेस या और बोल सकते हैं पेड काउंसलिंग। सिंपल से बात है कि सेल्फ काउंसलिंग का मतलब ये होगा कि आप खुद से भी अपना काउंसलिंग कर सकते हैं, खुद से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, आप खुद से भी आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते थे, खुद से भी आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है, आप खुद से ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको खुद में अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रही है, मेरे को नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है और कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप बेशक किसी का पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लीजिए, किसी का भी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लीजिए। नॉट मी कि आप हमें ही ज्वाइन करो, लेकिन करना क्या है कि आप जिसका भी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर रहे हो या जिसका भी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करो, हम ये सिंपल सब कहना चाह रहे हैं कि देखिए काउंसलिंग करने के लिए आपको करना क्या होता है। अगर कोई भी काउंसलर है तो काउंसलर आपका क्या कर सकता है, जरा सोच के देखिए क्या कर सकता है। वो आपका डाटा लेगा, आपका फोटो लेगा, आपका सिग्नेचर लेगा, आपका नाम लेगा, ईमेल आईडी लेगा, मोबाइल नंबर लेगा, सारा चीज़ लेगा आपसे। और आप ही का डाटा है वो एक साइट बनाया गया, साइट पे जाके क्लिक कर दिया, अपलोड कर दिया, सेव कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, बात खत्म कर दिया। अब इतना के लिए आप बताओ कितना आप देना चाहोगे, बताओ जरा इतना के लिए कितना देना चाहोगे आप। ज़्यादा ज़्यादा किसी साइबर कैफे में जाकर कराते हो तो वहाँ पर 100 रुपये चार्ज करेगा, कितना रुपये चार्ज करेगा, 100 रुपये ही आपसे चार्ज करेगा। अब 100 रुपया कोई कर रहा है तो 100 रुपये तो वहाँ से भी हम करवा सकते हैं, लेकिन उसके पास एक ही प्रॉब्लम है कि वो जो है कि साइबर कैफे वाला है, उसको बस पता है कि ऐसे ऐसे कर देना है, बट उसको नहीं पता है कि क्या करना कितना सही रहेगा, और उसको ये नहीं पता है कि कौन सा ब्रांच का क्या मतलब, उसको ये नहीं पता है कि हमको जो परसेंटाइल है, जो कटअप है, वो कौन सा कॉलेज का क्या जाना है, वो नहीं पता है उसको। वो डायरेक्टली टिप टॉप करके सीधा आंसर निकाल के प्रिंट आउट कर देगा, लो आपका हो गया काउंसलिंग, बस वो इतना जानता है, बट उतना वो कर देगा, उसके लिए 100 रुपये ले रहा है। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि मुझे यहाँ पे क्या कटअप जाती है कौन सी कॉलेज की, कोई आपको ये बता दे कि कौन सा कॉलेज कितना अच्छा है, कोई ये बता दे कि आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहता है, कोई ये बता दे कि आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त क्या गलती नहीं करना चाहता, वो अगर सारा कोई बता देता तो ये 100 रुपये से कितना एक्स्ट्रा बढ़ सकता है, वो 50 रुपये ज़्यादा ज़्यादा 50 रुपया फ्री के एडवाइस देने के लिए कितना रुपया चाहिए आपको, 50 रुपया। तो 100 हम मानते हैं कि 50 रुपये, इसमें भी हम कम करके आपको बताते हैं, 149 मतलब इसमें भी कम कर लेते हैं, 49 रुपये ले लेते हैं, तो टोटल कितना हो गया 149 रुपये हो गया। अब इस 149 रुपये में आपका काउंसलिंग और कोई कर रहा है तो फिर भाई आपको क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है जरा बताना मेरे को, इसमें क्या दिक्कत है। 100 रुपया में सब कुछ साइबर कैफे कर सकता, तो 149 रुपये में हमने अपने खुद को जोड़ा, क्योंकि हम लोग भी काम करते हैं, हमें भी बहुत सारा चीज़ बैकग्राउंड में करना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने 49 रुपये चार्ज करा, तो टोटल जो मेरा पेड काउंसलिंग हो चुका है वो कितना हो चुका है, 149 रुपया। तो 149 रुपये के लिए आप किसी से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ये जो चीज़ है वो नॉर्मल चीज़ है भाई, इसे साइबर कैफे भी करवाओगे या मैरिज करवाओगे तो 149 रुपये लगेगा। अब कोई 1000 रुपये चार्ज करा, बताओ इतना काम करने को 1000 रुपये करने की जरूरत है, बताओ 1000 रुपये करने की जरूरत है। अगर वो कोई 1000 रुपये कर रहा है तो उसका एक ही मोटिव हो सकता है, या तो आपसे पैसा झीटना चाह रहा है, पैसा ही कमाना चाहता है, वह तो ये नहीं चाहता है कि बच्चों का क्या चीज़ है, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे 1000 रुपये वो इकट्ठा करके देते हैं उसके बारे में वो नहीं सोच रहा होगा। मुझे पता है मैं जिस फैमिली से हूँ, मुझे पता है कि 1000 रुपये मेरे घर में कितना इंपॉर्टेंट रखता है, मुझे पता है कि 1000 रुपये का क्या महत्व तो होता है, 1000 रुपये में हमारे 4 दिन की घर की मतलब सब्जी चल सकती है, 1000 रुपये में 4 दिन की चल सकती है। अब 4 दिन का किसी का घर काट करके 149 रुपये मतलब 1000 रुपये ले रहे हो, कोई भी ले रहा होगा, तो 1000 रुपये किसी का आप घर से ले रहे हो तो आप 4 दिन का उसका जो खाना पीना का बजट था ना, आप उसको ले रहे हो, तो उतना करने की जरूरत नहीं, उतना तो यहाँ पर समय भी नहीं लग रहा, उतना तो मेहनत भी नहीं लग रहा, सिंपल से बात है, आप कर सकते थे, बट उतना के लिए 1000 रुपये लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि यार 1000 रुपये जो चार्ज करें ना, वो बस पैसा कमाना चाह रहे हैं, आपके जो आपके रिक्वायरमेंट है, जो आपका चीज़ है ना, उसको वो नहीं देख रहे हैं। और मैं यही देख रहा था, इसलिए मैंने 149 रुपये रखा हुआ है अपना फी पेड काउंसलिंग का, और 149 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हो मैं से, तो 149 रुपये में आप करवा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बात यही है कि पेड काउंसलिंग थोड़ा जो लोगों को नहीं आती उनका सहूलियत के लिए बनाया गया है, क्योंकि उनको चीज़ें एक रिफ्लेक्शन तौर पर मिल जाए कि हाँ मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है, और सपोर्ट करने के लिए 149 रुपये मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा है। और अब मैं देखिए प्रॉब्लम मेरा भी मजबूरी समझिए, जो लोग समझते हैं कि 149 रुपये 149 रुपये में सस्ता है, इतना सस्ता में कैसे करें, मैं बताता हूँ आपको। सिंपल सा लॉजिक है यार कि देखो, अगर मैं इसको फ्री कर दूँ, कुछ लोग कहेंगे कि फ्री तब कर दीजिए, फ्री ही कर लेते ना, अगर आपको इतना भला सोचना है स्टूडेंट के बारे में तो फ्री कर लेते ना। मैं बताता हूँ आपको फ्री भी क्यों नहीं कर सकता हूँ। फ्री का मतलब क्या हो जाएगा, घर की मुर्गी दाल बराबर, सिंपल से बात है। और घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब मेरे पास 1000 स्टूडेंट आ जाएंगे, और मैंने चाहता कि 1000 स्टूडेंट को मैं समय निकाल पाऊँगा, और 1000 स्टूडेंट का करना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है, तो मैं तो 1000 स्टूडेंट का नहीं करूँगा ना भाई। अगर 1000 का करने लूँगा तो मेरे और भी चीज़ें हैं जो मुझे करनी पड़ती है, वो चीज़ तो नहीं कर पाऊँगा, मैं खुद का लाइफ डिस्टर्ब कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा नहीं है ना कि फ्री में करूँ और सबको लेकर घसीटते चलूँ, और सबका मैं फ्री में कर भी दूँ तो मैं सही बता रहा हूँ कि फ्री में जितने लोग भी करवाएंगे वो लोग यही बोलेंगे तो फ्री में कर रहा है, इसका कोई महलूम नहीं है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो खुद लोग फ्री के नाम पे आपको
अलग से समझने लेंगे, तो वो अलग कोई ना समझे इसलिए मेरी मजबूरी भी थी 149 पर रखने की, नहीं तो मैं सोचा था कि फ्री में ही करूँगा। और जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, मैंने कुछ व्हाट्सअप जो ग्रुप मैंने बनाया था उसमें बोला भी था कि मैं इसमें काउंसलिंग फ्री में करूँगा, बट मेरी मजबूरी थी लास्ट में, मुझे समझ में आया कि यार एक गलती हो रही है मेरे से, इसलिए मिनिमम मुझे 149 पर रखना पड़ा। अब जो लोग 1000 रुपये कर रहे हैं भाई, उनसे 1000 रुपये करवा, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। आप उनको फॉलो करते, आप उनको फॉलो कर उनसे करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। बट प्रॉब्लम बस इस बात से है कि यार 1000 रुपये से किसी का 4 दिन का घर का खर्चा चलता है, और आप उसे एक झटके में 1000 रुपये ले रहे हो, जबकि वो काम आपका कितना है, मुश्किल से 10 मिनट का काम है, मुश्किल से 10 मिनट का काम है। और आपका एक्सपीरियंस, आपका अगर इम्पोर्टेंस आपको समझ है ना सारा चीज़ का, तो आपको करने के लिए 10 मिनट भी कम है, 10 मिनट भी आपको ज़्यादा हो जाएगा, 10 मिनट भी मुश्किल से आप 5-7 मिनट में निपटा दोगे किसी का काउंसलिंग। लेना आईडी पासवर्ड भाई, लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना, नाम पता भर के सबमिट कर देना है, सिंपल सी बात भाई, नॉर्मल कर सकते हम लोग, तो उतना करने के चार्ज नहीं है फिलहाल। अब बाकी आप लोग समझ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अगर तीसरा पॉइंट की हम बात करें तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और कन्फ्यूजन। देखिए कुछ बच्चे जो कि 12th से आते हैं, नॉर्मली 12th से निकल के आते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि इंजीनियरिंग क्या होती है, उनको पता नहीं है कि काउंसलिंग क्या होती है, उनको पता नहीं होती कि साइट पर जाके कैसे रजिस्ट्रेशन करना, उनको पता नहीं है कि क्या क्या गलती होने के बाद से क्या क्या गलती आगे हम लोग उसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। तो वो लोग किसी का मतलब कि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है उनको, उनका क्या कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन ये होता है कि भाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या होगा नहीं होगा, तो कुछ चीज़ें उनके पास कन्फ्यूजन रहती है, उनके पास जो है कि कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा उनके पास लैक हो जाती है। तो उस कॉन्फिडेंस को ठीक करने के लिए आप लोग पेड काउंसलिंग किसी का ज्वाइन करते हो, और पेड काउंसलिंग किसी का ज्वाइन करते हो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको ठग ले लो, और ये जो पेड काउंसलर जो लोग हैं वो उसका मतलब ये नहीं था आप उसको ठग लो भाई। बच्चा अगर लैक कर रहा है, कॉन्फिडेंस कर रहा है, कंफ्यूज है, तो उसको हेल्प करो ना, और एक मिनिमम प्राइस में हेल्प करो ना, 1000 रुपये लेने की कोई जरूरत ही नहीं यहाँ पे, सिंपल बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। उसके बाद से देखिए वॉच केयरफुली का मतलब ये हो गया कि आपको किसी को भी फॉलो करे, आई डोंट नो कि आप मुझे फॉलो करो या किसी को फॉलो करो, किसी को फॉलो करो, लेकिन फॉलो करते वक्त आपको क्या करना है कि जिसको भी फॉलो करो आप उसको केयरफुली देखो कि वो क्या सही है, क्या गलत है, कैसे बता रहा है, क्यों बता रहा है, कितना बता रहा है, ये पूरा चीज़ आप सोचो और देखो उसको कि कहाँ पे वो लैग कर रहा है। जहाँ पे लैग कर रहा है मतलब वो उसका कमजोरी है, उसके जगह पे कुछ और भी लोग हैं जो सही कर रहे हैं मार्केट में, आप उनके जगह पे उसको रिप्लेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में तो सब कुछ मिल रहा है ना, सब कोई तो यूट्यूब में फ्री में तो वीडियो बना रहा है, उसका थोड़े कोई पैसा ले रहा है। आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं आपका पैसा नहीं ले रहा हूँ, आप किसी दूसरे का वीडियो मेरे बाद जाकर देखो मैं वो भी पैसा नहीं लगा, तो आप फ्री में देख सकते हो। तो जो चीज़ जहाँ पे गलत है उसको छोड़ करके जो सही लग रहा है उसको चूज कर लीजिए, फ्री में तो सब कुछ दे रहे हैं ना भाई, तो फ्री में सबका फायदा लो आप। मैंने कहता हूँ कि आप मेरा ही वीडियो देखो, मैं ही 100% सही हूँ, मैं बिल्कुल कहना नहीं चाह रहा हूँ कि मैं 100% मैं गलत हो सकता हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ यार, मेरे से भी गलती हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गलती हो सकती है तो हम उसको आगे चल कर सीख के उसको और इम्प्रूव भी तो कर सकते हैं ना, तो इम्प्रूव करेंगे और अगली बार और अच्छा करेंगे, इसमें क्या गलत है, सिंपल बात है कि इसमें कोई गलत नहीं है, तो हम इम्प्रूव करेंगे। और कोई यही ठान ले कि हम ही बेस्ट हैं और अपने को बेस्ट दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखा दे, तो भाई तो वो तो गलत हो सकती है ना भाई, इससे ज़्यादा क्या मैं बोलूँ। ठीक है, तो आपको किसी को भी फॉलो करना है तो भाई वॉच केयरफुली उसको करो, देखो क्या सही है क्या गलत है, फिर आपको जो अच्छा लगे आप करिए, उसमें कोई दूरा नहीं है। एंड आगे बात करते हैं, देखिए क्रॉस चेक, क्रॉस चेक का मतलब ये होगा कि अगर कोई कुछ भी बोल रहा है कि क्या गलत है क्या सही है, तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्रॉस चेक कहाँ से करें कैसे करें, सिंपल सा बात है कि जो कुछ भी है डाटा, जो कोई भी डाटा बता रहा है या जो कुछ भी बोल रहा है, आप गूगल जाके करिए। जैसे कोई प्लेसमेंट के बारे में बता रहा है कि बिहार इंजीनियरिंग का इतना प्लेसमेंट जाती है, ये प्लेसमेंट का रेशियो है, ऐसे तरीके से प्लेसमेंट होती है, आप सिंपली गूगल पर जाकर टाइप करो ना कि प्लेसमेंट बिहार में कैसे होती है, कौन कौन सी कंपनी आती है, कैसे प्लेसमेंट का प्रोसेस है। आप लिंक्डइन पर जाकर देख सकते हो कि लिंक्डइन पर बहुत सारा चीज़, बहुत सारा कॉलेज का ऑफिशियल पेज बना हुआ है, उस पेज को जाकर के फॉलो करो, वहाँ पे देखो क्या ऑफिशियली अपडेट आती है, उसको उस तरीके से क्रॉस चेक कर लो। या बहुत सारा जगह पर देखोगे तो बहुत सारा कॉलेज का व्हाट्सअप ग्रुप भी एक्टिव रहता है, वहाँ पे चीज़ें ऑफिशियली तौर पे बताई जाती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या प्लेसमेंट लगा है, कितना लगा है, कौन सी कंपनी में, उस आप व्हाट्सअप ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लो। या सिंपल सी बात है कि बहुत सारा कॉलेज का अपना अपना साइट, बहुत सारा कॉलेज का मतलब लगभग सारे कॉलेज का यहाँ पे साइट बना हुआ है, उस ऑफिशियल साइट पे भी वो लोग अपडेट करते हैं, उस ऑफिशियल साइट को आप फॉलो करो। इवन जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, प्लेसमेंट के अबाउट बता रहा हूँ या किसी काउंसलिंग के अबाउट बता रहा हूँ, जिस किसी के बारे में मैं बता रहा हूँ, आप मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरा वीडियो का आप क्रश चेक करो, जाके क्रश चेक करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कितना सही बोल रहा हूँ कितना गलत। जहाँ पे गलत लग सकती है आप नीचे आके कमेंट करो कि भैया ये चीज़ आपने गलत करा है, मैं अगली बार से उसको सुधार कर लूँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
मेरा सुधार करके अगली वीडियो आएगा, उसमें कोई दुराय नहीं है। हम खुद में चाहते नहीं है कि हम खुद 100% सही हो, और कोई भी आदमी 100% सही नहीं मानता मैं किसी को। सब में कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, सब में कुछ ना कुछ अच्छाई हो सकती है, और सबका गलती जो होती है उसको इम्प्रूव करना चाहता है, और जिसके अंदर जो सही है उसका और सही करके और अच्छी चीज़ देने की कोशिश करना चाहता है। ये नहीं कि दूसरों को गलत ठहरा के खुद को अच्छे साबित कर लेना चाहता है, ये करना मुझे लगता है गलत हो सकता है। किसी को बुरा दिखा करके अपने आप को अच्छा दिखाना, आई डोंट लाइक दिस। ओके, तो चलिए इस तरीके से आप क्रॉस चेक किसी को कर सकते हो। तो जो डार्क रियलिटी थी जो काउंसलिंग को लेकर के चल रही थी, एंड आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो डिटेल में आपको बताया है कि कैसे कैसे आपको करना है। आप पेड करो किसी से या फ्री में करो, कोई दिक्कत नहीं बात है। अगर फ्री से भी आप कर सकते हो, सेल्फ काउंसलिंग भी करते हो, तो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि जो भी चीज़ें रहती हैं हम लोग अपडेट करते हैं। फ्री में भी अगर कोई करना चाहता है तो चॉइस फिलिंग कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एडिटिंग कैसे करना है, ठीक ना, और जो रैंक कार्ड आएगा रैंक कार्ड कैसे देखना है, कॉलेज में कैसे जाके काउंसलिंग करवाना है, ये सारे लोग फ्री में भी बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बनाता है और कोई नहीं बनाता है, सारे लोग फ्री बनाते हैं। अभी फॉर्म एडिटिंग का डेट खत्म हुआ ना, सारे लोग वीडियो बनाए हैं कि फॉर्म एडिटिंग ऐसे करना वैसे करना, ये गलती ना करो वो गलती ना करो, सारे लोग बताए हैं। तो इसमें सारे लोग तो बता ही तो रहे हैं, वो तो फ्री में ही बता रहे हैं। अब आपको पेड लेने की क्या जरूरत है, आप मत लो पेड, 1000 रुपये किसी को देने की क्या जरूरत है। एक मिनिमम जो प्राइस है आप वो भी मत दो, मैं 149 रुपये में करता हूँ, आप मेरे यहाँ मत करवाओ। मैं तो कह रहा हूँ मत करवाओ, मैंने ऐसा थोड़े बोला है कि आप आके मेरे से करवाओ। भाई नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, 149 रुपये मेरा घर का खर्चा नहीं चलता। बस 149 रुपये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं बच्चों को ये चीज़ सिखा सकूँ कि क्या चीज़ है कैसे क्या है, ये सीख सका दूँगा, और वो मेरे पास जो एक फिल्ट्रेशन है ना वो मेरी मजबूरी फिल्ट्रेशन वाला काम हो सके, नहीं तो मैं फ्री में भी कर सकता था। अब मैं हेल्प करके पर्पज़ से ही बना रहा हूँ वीडियो, और हेल्प ही करना चाहता हूँ एक्चुअली। मैं किसी का ठग करके 1000 रुपये लेना नहीं चाहता हूँ मैं, सिंपल सा बात है। तो बाकी आप लोग समझते हैं, बाकी एंड आई होप कि आप चीज़ें समझ पा रहे हो। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी जो लोग को ये वीडियो पसंद आ रही है भाई, लाइक और शेयर कर दो। थंबनेल से देख के आपको पता चला कि चल ही गया होगा कि डार्क रियलिटी बात करता है। आई होप कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया होगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये नीचे वीडियो कमेंट करके जरूर जाइएगा कि ये वीडियो में कितना सच्चाई था, और जो डार्क था वो मैंने बोलने की कोशिश करी है। एंड आई होप कि ये वीडियो के बाद से आपको किसी को भी फॉलो करना या अनफॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप जिसको फॉलो करो करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं अभी भी हाथ जोड़ के बोलता हूँ, किसी को मुझसे कोई एतराज़ नहीं है। बस सिंपल सा बात यह है कि जो कंसेप्ट था, जो चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही थी, वो मुझे क्लियर करना था। एंड आई होप कि क्लियर कर दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।